नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राइस्टार में स्वागत करता हूँ। आज बच्चे आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और एक अपनी बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। आज बच्चे हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी। जैसा कि आपको पता है, एसएससी जीडी में मैंने आपको जो भी पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको मैथ रीजनिंग पढ़ाई, वो सारे क्वेश्चन आपको आपकी क्लास से ही मिले थे, तो आप या फिर मैंने आपको पेट में पढ़ाया था। यदि आपने क्लासेस ली है तो आपको इतना विश्वास जरूर हो गया होगा कि इस प्लेटफॉर्म में जो पढ़ाया जाता है वो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे आगामी हमारी जो परीक्षा है एसएससी एमटीएस की बात करें, और इस एमटीएस की यदि हम बात करें तो बच्चे इसमें मैथ और रीजनिंग तो केवल क्वालिफाइंग है। ठीक है, केवल हमारा सिलेक्शन किससे होगा, तो सिलेक्शन केवल दो सब्जेक्टों से होना है, इंग्लिश और जीके जीएस। इंग्लिश 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन जीके जीएस के, नहीं 50 क्वेश्चन आएंगे, और यही हमारे जो 50 क्वेश्चन है यही सिलेक्शन कराएंगे, और इसमें माइनस मार्किंग भी है। तो अब आपको केवल और केवल फोकस इंग्लिश और जीके जीएस में ही करनी है। तो बच्चे आज हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं, उम्मीद है आपको ये अच्छी लगेगी। यदि आपको ये सीरीज अच्छी लगेगी इसको हम कंटिन्यू रखेंगे, बट तो उसके बाद ये हमारी सीरीज चलती रहेगी। आज हम देखने वाले हैं, और बच्चे हम बात और अभी चल भी, आपको पता है क्लास फोक डांस की बात करेंगे, लोक नृत्य की बात करेंगे। पूछा गया, यदि आपने एग्जाम दिया होगा या एनालिसिस आपने देखा होगा तो आपको पता है यहाँ से ये पूछा जाता है कि कौन सा नृत्य कहाँ पर होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इस बार एसएससी ने पूछा है कि कौन व्यक्ति किस डांस से संबंधित है, यानी कि व्यक्ति संबंधित किस नृत्य से, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे, और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एसएससी एमटीएस अगर हम पिछले साल की बात करें जो आपका हुआ था, उसमें यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे गए थे, इस बार भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। हम बात करेंगे, आज हम देखने वाले क्लासिकल डांस। ठीक है, जितने संभव हो सकते इसमें हम डांस देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिकल डांस। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कुल शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं, याद रखना 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। ये संख्या आपसे डायरेक्ट पूछी जा सकती है। दूसरा क्वेश्चन, कौन सा डांस किस राज्य में होता है। तीसरा क्वेश्चन, कौन सा व्यक्ति किस डांस से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनकी संख्या पूछी जाएगी, तो आपका आंसर आना चाहिए 8 है। बात करेंगे कौन कौन, भरतनाट्यम है, मोहिनीअट्टम है, है, मणिपुरी है, कुचिपुड़ी, कथकली और सत्रिया। याद रखना, जिसमें सबसे अगर पुराना पूछा जाए, कोई पूछे सबसे पुराना कौन सा है बताना, भरतनाट्यम सबसे पुराना है, जब नया कौन है सत्रिया। ये सत्रिया कब शुरू हुआ था, याद रखना 2000 में शुरू हुआ था 2000 में, सबसे नया ये, सबसे पुराना ये। अच्छा, भरतनाट्यम की बात करिए, मंदिर को समर्पित है, कौन सा मंदिर, याद रखना सादर मंदिर। ठीक है, मंदिरों में शुरुआत में किया जाता था, और बेसिकली ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। जबकि हम बात करेंगे सत्रिया की बात करेंगे, कहाँ का है, आसाम का है। देखो अब तो ये मैंने पता बता दिया आपको कितने है, अब कौन सा किस राज्य में, ये देख लेते। तो भरतनाट्यम कहां पर, याद रखना तमिलनाडु में है। मोहिनीअट्टम की बात करें केरल में है। कथक की बात करें उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश में है। कथकली कहां पर है, केरल में है। सत्रिया की बात करें आसाम में, हालांकि इसकी मैंने ट्रिक आपको बता रखी है पहले से, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, ये तो आपको समझ आया। इसके बाद अब हम बात करेंगे भरतनाट्यम से कौन कौन व्यक्ति संबंधित है। ठीक है, भरतनाट्यम से कौन कौन व्यक्ति संबंधित है, याद रखना एक है हमारे कोमल वर्धन, दूसरा है गोविंद, शांता, गीता चंदन, बीपी धनंजय, मीनाक्षी श्रीनिवासन और आनंद शंकर जयंत, ये किससे संबंधित है, याद रखना ये भरतनाट्यम है। हम बात करेंगे मोहिनीअट्टम से संबंध किसका किसका, तो याद रखना मोहिनीअट्टम का संबंध किससे, किस व्यक्तियों से, तो याद रखते हैं सबसे पहले आते हैं भारती शिवाजी। रागिनी देवी की बात करेंगे, रागिनी देवी के बाद हम बात करेंगे हेमा मालिनी, श्रीदेवी,
राव कलामंडलम क्षेमवती डॉक्टर सुनंदा नायर, इनका संबंध किससे, तो याद रखना इनका संबंध है किससे, मोहिनी अट्टम से, किससे है, मोहिनी अट्टम से इन सबका संबंध है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे, ठीक है, तो मैंने आपको भरतनाट्यम बता दिया, मोहिनी अट्टम बता दिया, इसके बाद हम बात करेंगे इसकी, ठीक है, ओडिसी की अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे, मणिपुर की अभी बात करेंगे, अभी हम देखेंगे कुचिपुड़ी का संबंध किससे, याद रखना कुचिपुड़ी का संबंध में यामिनी कृष्णमूर्ति बहुत फेमस नाम है, लक्ष्मी नारायण शास्त्री की बात करेंगे, या बेमपति चित्रा सत्यम की बात करें, या हलीम खान की बात करें, या पढ़ना की बात करें, या वेदांतम सत्यनारायण की बात करें, इन सबका संबंध किससे, तो आप कहेंगे कुचिपुड़ी से, किस से, कोई केरल का है, इससे संबंधित याद रखना, ये में और संबंधित रखना, आनंद शिवरमन है इसके, और कृष्ण कृष्णन कुट्टी शांता राव साथ में याद रखना, उदय शंकर और कृष्णागर याद रखना, ये महत्वपूर्ण है, ये संबंधित व्यक्ति हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे सत्या, जो कि सबसे लेटेस्ट है, 2000 में शुरू हुआ था, ऐसे शुरू किसने किया था, तो याद रखना इसे शुरू किया था श्रीमद शंकर देव ने, इन्होंने इसी को शुरू किया था, ठीक है। बात करेंगे शारदीप शौकिया है इसके, गुरु जतिन गोस्वामी की बात करें, प्रभास शर्मा, परमानंद बाख्यान, गहन चंद्रा गोस्वामी, मणिक बाख्यान, ये सब इससे संबंधित व्यक्ति है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, इसके बाद कुछ और नेक्स्ट देखने वाले हैं। अब देखेंगे ओडिशा से संबंधित व्यक्ति कौन से ऐसे व्यक्ति हैं, जो रखना ओडिशी डांस से संबंधित व्यक्ति कौन है, हरे कृष्णा बेहरा, सोनल मानसिंह, किरण रानी कर्ण, संयुक्त पाणिग्राही, कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान, दुर्गा चरण रणवीर, मोहन महापात्रा, सुजाता महापात्रा, मीनाती मिश्रा और कुमकुम मोहती, इनका संबंध किससे, तो आप कहेंगे ओडिसी डांस से है। अगर हम बात करें कथक से संबंधित कौन है, याद रखना कालिका प्रसाद है, विद्या गौरी अडकर हैं, बिरजू महाराज, लक्ष्मू महाराज, सितारा देवी, सूरत देवी महापात्रा, गोपी कृष्णन, शोभा नारायण, मालविका सरकार, चंद्रलेखा, विंदादीन महाराज, अक्षय महाराज, नारायण प्रसाद, मंजूश्री चटर्जी, इन सबका संबंध किससे है, तो याद रखना इन सब सबका संबंध कथक से। इसके बाद कुछ और नाम देख लेते हैं, अब लास्ट हमारा डांस बचता है मणिपुरी, मणिपुर डांस से कौन से सब व्यक्ति संबंध, ये हमारी झावेरी बहन, पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए झावेरी बहन का संबंध किस नृत्य से, याद रखना मणिपुरी कौन कौन सी बहन है, नैना झावेरी, सुवर्णा झावेरी, रंजना झावेरी और दर्शना झावेरी, इन सबका संबंध किससे, मणिपुरी से। गुरु अमली सिंह की बात करें, नल कुमार सिंह की बात करें, एल बिन्नो देवी की बात करें, चारू माथुर की बात करें, सविता मेहता की बात करें, कलावती देवी, बिंबावती, निर्मला मेहता और राजकुमार और जीत सिंह, इन सबका संबंध किससे, तो आप कहेंगे मणिपुर से है, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि कौन सा क्लासिकल डांस किस राज्य में होता है, सबसे नया कौन सा है, सबसे पुराना कौन सा है, और कौन जो फेमस पर्सनालिटी है, कौन व्यक्ति किस डांस से संबंधित है, मैंने ये आपको बताया। अब हम देखने वाले हैं कि इन व्यक्तियों में कुछ जो फेमस पर्सनालिटी है जिनके बारे में और कुछ हमें जानना जरूरी है, उन चीजों को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे, तो इसलिए बने रहिए आप। अब देखने वाले हैं कुछ हमारे जो फेमस पर्सनालिटी हैं उनके बारे में विशेष क्या है, ठीक, ये बहुत पूछा जाता है, जीडी में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करेंगे, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार कब मिला, याद रखना 1968 में मिलता है। इन्हें पद्म भूषण कब मिलता है, 2001 में। पद्म विभूषण कब मिलता है, याद रखना 2016 में। इनकी आत्मकथा भी याद रखना ए पैशन फॉर डांस, और हम बात करेंगे इनका संबंध किस किस नृत्य से, याद रखना ये भरतनाट्यम के साथ साथ कुचिपुड़ी, याद रखना भरतनाट्यम के साथ साथ कुचिपुड़ी भी याद रखना। इनका संबंध किस राज्य से, तो ये याद रखना तमिलनाडु से इनका संबंध है।
सोनल मान सिंह की बात करेंगे, ये मुंबई महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। इन्हें पद्म भूषण कब मिला 1992 में और 2003 में दो बार मिला। और साथ ही साथ इसमें खास बात याद रखना, सबसे कम उम्र में पद्म भूषण मिलने वाला, सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण मिलने वाला तो याद रखना सोनल मान सिंह को ही है। इनका संबंध याद रखना उड़ीसा से, उड़ीसी डांस से और भरतनाट्यम दोनों से इनका संबंध है। अब याद रखेंगे लीला सैमसन की बात करेंगे, ये किस राज्य से संबंधित है, तमिलनाडु से संबंधित है। इन्हें पद्म श्री कब मिला 1990 मिला। संगीत अकादमी पुरस्कार एक बहुत बच्चे याद रखना 1999-2000 के बीच में दिया गया। और इनका संबंध याद रखना भरतनाट्यम से, किस डांस से तो आप कहेंगे भरतनाट्यम से इनका संबंध है। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और देखने वाले जो फेमस पर्सनालिटी है और एसएससी यहां से क्वेश्चन पूछती है, तो आप हमारे साथ बने रहिए और संबंधित हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। ओके, बच्चों अब हम देखने वाले हैं रुक्मणी देवी की बात करेंगे। रुक्मणी देवी में इनकी इनकी मृत्यु कब होती है, 1986 में इनकी मृत्यु होती है। इन्हें पद्म भूषण कब दिया जाता है, 1956 में दिया है। साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार की बात करेंगे, 1957 में दिया जाता है। और साथ ही साथ इन्हें कालिदास पुरस्कार भी दिया जाता है, कब 1984 यानी 1984 में। अच्छा, कालिदास सरकार यानी कि कालिदास पुरस्कार कौन देती है, तो याद रखना मध्य प्रदेश सरकार एमपी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। और याद रखना ये राज्यसभा में शामिल हुई थी, और किस क्षेत्र से, कला क्षेत्र से इन्हें राज्यसभा में भी शामिल होने का मौका मिला था। ये किस राज्य से, तमिलनाडु से है। कौन सा डांस करती है, याद रखना भरतनाट्यम। कौन सा डांस, भरतनाट्यम। अब हम बात करेंगे मृणाली साराभाई की बात करें। सबसे पहले तो ये विक्रम साराभाई की पत्नी है, याद रखना। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया, तो 1965 में दिया गया था। पद्म भूषण कब दिया गया, तो 1992 में दिया गया था। इनका संबंध किस डांस से, याद रखना भरतनाट्यम से है। और हम बात करेंगे ये किस राज्य से संबंधित है, गुजरात से संबंधित है। विश्वानो राम गोपाल की बात करेंगे, इनका संबंध कर्नाटक राज्य से है। इन्हें ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार कब दिया गया, तो 1992-99 में दिया गया था। इनकी दो फेमस पुस्तकें याद रखना, पहली पुस्तक क्या है, इंडियन डांसिंग, जो कि 1951 में आई थी। रिदम सिन हेवन की बात करेंगे, 1957 में आई थी। ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। ठीक है, कुछ हमारे पास और नाम है, जल्दी से उन्हें भी हम देख लेते हैं। ओके, अब देखने वाले हैं हम बात करेंगे पद्मिनी प्रियदर्शिनी, इनका संबंध याद रखना। इनकी डेथ कब हुई थी, 2016 में लेटेस्ट इनकी डेथ हुई, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। बैजंती माला की बात करेंगे, इनका संबंध किस राज्य से, तमिलनाडु से। इन्हें याद रखना सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कब दिया गया था, संगम मूवी के लिए 1965 में दिया गया था। गंगा यमुना एक मूवी आई थी 1962 में, इसके लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया था। मधुमती के लिए 1959 दिया जाता है। याद रखना इनका संबंध किस डांस से, भरतनाट्यम से है। इन्हें प्रथम साउथ, ये पहली ऐसी साउथ थी दक्षिणी में जो भारतीय थी जो इसमें हिंदी फिल्म में काम किया था, यानी बॉलीवुड में एंट्री करने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी, साउथ से, बैजंती माला, याद रखना। हम बात करेंगे बाला सरस्वती की बात करेंगे, इनका संबंध तमिलनाडु से है। इन्हें पद्म भूषण कब दिया गया, 1957 में। विभूषण कब दिया गया, 1997 में दिया गया। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1955 में दिया गया। इनका संबंध किससे, याद रखना भरतनाट्यम से है। बात करेंगे मालविका सरुकई की बात करेंगे, इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2002 में दिया जाता है, जबकि पद्मश्री 2003 में दिया जाता है। इनका संबंध याद रखते हैं भरतनाट्यम के साथ साथ उड़ीसा डांस से भी है। और ये किस राज्य से बिलोंग करती है, याद रखना तमिलनाडु से बिलोंग करती है। ठीक है, इसके बाद कुछ और हमारा चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारे पास नाम कौन सा आता है, एम के सरोजा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एम के सरोजा की यदि हम बात करें, तो याद रखना एम के सरोजा की यदि हम बात करेंगे तो इनका संबंध तमिलनाडु से भरतनाट्यम, और इनके श्री दिया गया था 2011 में संगीत 95 में। इन्हें पद्मश्री 2011 में। संगीत
1995 में दिया गया था। कब 1995 में दिया गया था। इनका संबंध किस राज्य से, तो याद रखना, तो किस डांस से, तो याद रखना भरतनाट्यम। किससे है? भरतनाट्यम, भरतनाट्यम से इनका संबंध, इसमें बस इतना याद रखना है। बात हम करेंगे सी वी चंद्रशेखर की, बात करेंगे सी वी चंद्रशेखर की। यदि हम बात करें सी वी चंद्रशेखर की हम बात करेंगे तो याद रखना सी वी चंद्रशेखर संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था इन्हें? 1993 में दिया गया था। कब? 1993, याद रखना। और कालिदास 2008 में दिया जाता है। भूषण की बात करेंगे 2011 में, पद्म भूषण की बात करेंगे, इन्हें 2011 में दिया गया था। ये सारी चीजें आप नोट कर लेना, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे अर्चना सतीशन की बात करेंगे, ठीक है। अर्चना सतीशन की बात करेंगे, सतीशन, अर्चना सतीशन की यदि हम बात करें तो याद रखना, अर्चना सतीशन की यदि हम बात करें इनका संबंध किससे है, तो याद रखना सबसे पहले तो केरल राज्य से इनका संबंध है, केरला से संबंधित है। डांस इनका कौन सा है, तो याद रखना इनका डांस है कुचिपुड़ी। कौन सा है? कुचिपुड़ी से ये संबंधित है। और हम बात करेंगे इनमें विशेष क्या है, इन्हें राष्ट्रीय शिरोमणि पुरस्कार दिया गया था। राष्ट्रीय शिरोमणि, शिरोमणि पुरस्कार, राष्ट्रीय शिरोमणि पुरस्कार कब दिया गया था? अभी हाल ही में दिया गया, 2022 में। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो बन जाता है क्योंकि हाल ही में दिया गया इन्हें। हम बात करेंगे राधा रेड्डी की, बात करेंगे नेक्स्ट हमारे पास पर्सनालिटी है राधा रेड्डी, यानी रेड्डी। राधा रेड्डी की यदि हम बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश से इनका संबंध है। इनका संबंध किससे, याद रखना आंध्रा से संबंधित है ये। और बात करेंगे इन्हें पद्म भूषण कब दिया गया था, 2000 में दिया गया था। इन्हें पद्म भूषण कब दिया गया, याद रखना 2000 में दिया गया। और पद्म श्री की बात करेंगे, पद्म श्री ने कब दिया गया था, 1984 में दिया गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे स्वप्न सुंदरी की, बात करेंगे किसकी, स्वप्न सुंदरी की यदि हम बात करें, स्वप्न सुंदरी, स्वप्न सुंदरी, स्वप्न सुंदरी की हम बात करेंगे तो याद रखना इनका संबंध किस राज्य से है, इनका संबंध तमिलनाडु से है। और हम बात करेंगे इन्हें पद्म भूषण कब दिया गया था, इन्हें पद्म भूषण 2003 में दिया गया था। कब दिया गया था, 2003 में दिया गया था। महत्वपूर्ण टॉपिक है, याद रखना। एसएससी बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछती है, यदि आप एसएससी एमटीएस या फिर सीजीएल सीएचएसएलकेसी की बात करें, दिल्ली पुलिस की बात करें, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारे पास पर्सनालिटी है शोभा नायडू, शोभा नायडू की यदि हम बात करेंगे तो शोभा नायडू, याद रखना इनका संबंध सबसे पहले किससे है, तो याद रखना तमिलनाडु राज्य से है, तमिलनाडु से इनका संबंध है। इन्हें पद्मश्री कब दिया गया था, पद्मश्री ने दिया गया था 2015 में दिया गया, पद्मश्री 2001 में, कब 2001 में पद्मश्री दिया गया। और हम बात करेंगे इन्हें एक पुरस्कार और दिया गया था, हमसा पुरस्कार, हमसा पुरस्कार इन्हें कब दिया गया, याद रखना इन्हें दिया गया था हमसा पुरस्कार। और ये देती कौन है, याद रखना आंध्र प्रदेश सरकार देती है, आंध्र प्रदेश सरकार इन्हें देती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पद्मजा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी, अगली फेमस पर्सनालिटी हमारे पास ये है, याद रखना। सबसे पहले इनका संबंध किस राज्य से, तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश से इनका संबंध है। इन्हें साहित्य इसमें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था, 2015 में दिया गया था। इसमें 2015 में इन्हें पुरस्कार ये दिया जाता है। और पद्मश्री की बात करेंगे, इन्हें केलुचरण महापात्रा की बात करेंगे, हमारा लास्ट रहेगा केलुचरण महापात्रा, केलुचरण महापात्रा की यदि तो याद रखना इन ये सबसे पहले तो इनका संबंध किससे, तो याद रखना इनका संबंध उड़ीसा राज्य से है। किससे संबंध है, उड़ीसा से संबंध है। इन्हें पद्मश्री कब दिया गया था, पद्मश्री 1974 में दिया जाता है। जबकि भूषण की बात करेंगे 1988 में दिया जाता है। कब, 1988 में दिया जाता है। विभूषण 2000 में दिया जाता है। इन्हें विभूषण कब दिया जाता है, याद रखना 2000 में दिया जाता है। तो इस प्रकार से मैंने बहुत कम समय में
आप समझ सकते हैं कितनी सारी चीजें कवर करा दी है ना, मैंने कम समय में कितनी सारी चीजें कवर करा दी। अब ये सीरीज यदि आप चाहते हैं कि एमटीएस के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए सीरीज चालू रहे, तो आप इसके लिए अपना सजेशन देंगे और कम समय में, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक था, आपने देखा ही होगा इसमें कितनी सारी चीजें कवर कराई गई, लेकिन कितने मात्र 20 मिनट में आपको ये सारी चीजें बताई गई। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, क्लास के बारे में आप अपनी राय जरूर दें, और इस सीरीज को यदि आप कंटिन्यू चाहते हैं तो आप कमेंट करें, और यदि आप कहेंगे इस क्लास की पीडीएफ, तो आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में ट्राई स्टार क्लासेस में आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, ओके बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।